एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक सदर में स्थित बिहारी गांव पड़ा। लगभग 7000 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मोहम्मद तारिक हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। लगभग 4150 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 1074 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 257 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 140 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर, 86 स्ट्रीट लाइट व 12 सोलर लाइट भी गांव में लगवाई गई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 35 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, 11 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 220 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान ब्लॉक सदर, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील मुजफ्फरनगर, 220 शौचालय, 2 सीसी, 12 या 13 इंटरलॉक और जी प्राथमिक विद्यालय एक में शौचालय, 12 सौर ऊर्जा की लाइटें और 86 LED खम्भों वाली। और हमें ज़रूरत है अब एक हाई स्कूल मिल जाए या इंटर कन्या स्कूल, और एक पशु चिकित्सालय और एक स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, चारों की शमशानों की और कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, और पानी के लिए नाली की ज़रूरत है निकासी के लिए। यहाँ से गरीब जनता ज़्यादा है, उसमें मकान बनाने की भी प्रधानमंत्री आवास विकास से सुविधा दी जाएगी।